जनपद में होली पर्व को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताजा ने बताया कि होली पर्व को संपन्न कराने के लिए सभी थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग की जा रही है तथा सभी नागरिकों से होली पर लोगों को क्या समस्याएं हैं बात की गई है। इसके साथ ही होली पर्व शांति और सौहार्द पूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी थानों पर शांति व्यवस्था की मीटिंग की गई है। उन्होंने कहा कि होली को देखते हुए महत्वपूर्ण जुलूस पर निगाहें बनाए हुए हैं और बाहरी जिलों से फोर्स की मांग की गई है, जिससे फोर्स मिल भी रहा है। जो महत्वपूर्ण जुलूस है उसमें पुलिस फोर्स को लगाया जाएगा, जो अन्य जुलूस हैं उसमें पुलिस लगातार भ्रमण पर रहेगी। उन्होंने कहा कि होलिका दहन को लेकर भी फोर्स को लगाया गया है, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस प्रकार शांतिपूर्वक होलिका दहन कर सकते हैं। और फायर स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया है। फायर स्टेशन बांसगांव को शुरू करवा दिया गया है, जिससे कि होली पर किसी खेत में आग लगे तो तुरंत मौके पर फायर विभाग पहुंचकर आग पर काबू पा सके। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि आपसी भाईचारे व सौहार्द के साथ होली मनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताटा ने कहा जी, इसमें होली को लेकर पीस कमेटी की मीटिंग सभी थाना स्तर पर की जा रही है और इसमें शांतिपूर्वक होली मनाई जाए, किस प्रकार लोग आपस में सहयोग सौहार्दपूर्ण भावना से होली मनाएं, क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं होली त्यौहार को लेकर और पुलिस की क्या अपेक्षाएं हैं, समाज के संभ्रांत लोगों से और अन्य नागरिकों से इस बारे में चर्चा की गई है। सभी थानों पर शांति व्यवस्था की मीटिंगें की गई है और ये लगातार कार्यक्रम है जो जारी रहेगा होली को शांतिपूर्वक संपूर्ण करवाने के लिए जनपद में। जी, इसमें जो महत्वपूर्ण जुलूस हैं उस पर पुलिस लगातार नज़र बनाए है, उसके अनुसार हमने फोर्स की डिमांड भी की है गैर जनपद से मुख्यालय से, जिसमें हमें फोर्स मिल भी रहा है और जो महत्वपूर्ण जुलूस हैं उसमें फोर्स लगाया जाएगा। जो अन्य जुलूस हैं उसमें पुलिस लगातार भ्रमण पर रहेगी। जो होलिकाएं दहन के लिए लगाई जाती हैं उसको लेकर पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है, जहां पर कि उनकी सुरक्षा को लेकर और आसपास के लोगों को जागरूक करते हुए किस प्रकार वो सेफ तरीके से होली का दहन कर सकते हैं इसको जागृत किया गया है। जो फायर ब्रिगेड की हमारी टीम है उसको अलर्ट किया गया है। फायर स्टेशन बांसगांव को हमने तैयार कर चालू करवाया है और वहाँ पर अगले दो दिन में हमारा फायर स्टेशन भी चालू हो जाएगा। होली के त्यौहार के साथ साथ जो फसल है वो भी कई जगहों पर पक रही है और इसमें आगजनी की घटनाएं हो सकती है, इसको देखते हुए हमारा जो अग्निशमन दल है वो भी अलर्ट है और बाकी रंगों की होली के लिए हमने हर जगह पुलिस की ड्यूटी तैनात की है जो लगातार भ्रमण पर रहेगी। लोगों से हमारी अपील है कि होली खुशी से हर्षोल्लास से और सौहार्द से मनाएं और आपस में कोई इस प्रकार की द्वेष भावना या मारपीट का कोई मामला ना हो, इसका ख्याल रखें। धन्यवाद।